ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने कहा, अशोक देव ने कहा कि 90 बनाम 10। योगी जी ने विधानसभा के चुनाव में से पहले कहा था 80 बनाम 20। अब की इन सपा ने उसमें 10 फीसदी और जोड़ दिया, उन्होंने कहा 90 वर्सेस 10, 90 उनके पास, 10 आपके पास। और अनीता जी कह रही हैं कि मामला बिल्कुल एक है, परिवार एकजुट है और बिल्कुल चारों तरफ से घेराबंदी लामबंदी। ओपी सिंह जी, तो 10% के लिए तो फिर लड़ना क्या है मसला? अत्ताद जी, पिछले जी 10-12 दिन से जो डिबेट हो रहा है वो डिबेट का विषय ही मैनपुरी है मुख्य रूप से। वो तो 3 चुनाव रहे, खतौली और रामपुर। लेकिन रामपुर में तो आजम साहब ने बोल दिया, तो भैंस की गुंजाइशी ने उनसे पूछा गया कल कि आजम साहब कुछ बोलेंगे, उनने कहा बोलने को बचा क्या, बचा क्या, बिल्कुल सही कहा जी जी। और उस डिबेट में मुख्य विषय है अखिलेश जी और शिवपाल जी। 10 तारीख को आपके चैनल पर मैंने डिबेट किया था, तो उस दिन डिबेट का विषय था कि डिंपल यादव प्रत्याशी घोषित, और आपके चैनल पर था कि शिवपाल यादव ने कहा कि मैं अपना पत्ता 2-3 दिन बाद खोलूंगा। कहा था, हाँ। नामांकन के 3 दिन पहले शिवपाल यादव जी गोरखपुर से कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी चापलूसों से घिरे हुए हैं, और जो अपनी पार्टी, जो अपना परिवार नहीं बचा पाया वो पार्टी और प्रदेश क्या चल रहा है। पैर छुआ, अरे साहब पूरा चैनल जो है पूरा टूट पड़ा, जैसे रूस और यूक्रेन की जो है युद्ध छोड़ करके दोस्ती हो गई। और मिलन तो साहब ऐसा हुआ जैसे 14 बरस बाद राम और भरत मिले हो। देखिए अमिताभ जी, मूल बात यह मैनपुरी का चुनाव सैफई कुनबा बनाम भारतीय जनता पार्टी, परिवारवाद बनाम लोकतंत्र। मैं इसलिए कह रहा हूं, यह पटा भी हो सकता है, भाजपा के मैं प्रवक्ता कुछ भी बोल सकता। आप देखिए प्रत्याशी कौन होगा तय करेगी पार्टी, जो निर्णय लेगी वही होगा। अंत में हुआ क्या, सैफई परिवार। स्टार प्रचारकों की सूची देखिए, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव। मंच पर जाइए, अभी मंच पर मैं आपके देख रहा था, स्पीच किसकी हो रही है, पहले शिवपाल चाचा की हुई, फिर जो है भतीजा अखिलेश के, पहले जो है शिव डॉक्टर राम गोपाल यादव की हुई, उसके पहले धर्मेंद्र यादव की हुई, जिसको चैनल वालों ने ही देखा। ये परिवार बात बनाम ये असली लड़ाई यही है जी। अब देखिए साहब ऐसा है, अमिताभ जी आपकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है। 8 दिसंबर को मतगणना तक हम कहेंगे हम जीत रहे हैं, सपा कहेगी साहब हम जीत रहे हैं, और जो मैदान में नहीं है भाग गए वो भी अपनी कोई ना कोई टिप्पणी दे देंगे, जैसे बसपा। और ये मैंने कहा, ये पैर छूने का सिलसिला कोई पहली बार तो हुआ नहीं। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव जी सहित तो पूरा परिवार, मुलायम सिंह को छोड़, बहन मायावती के चरणों में मतगणना के बाद क्या हुआ आपने देखा ना? नहीं नहीं, राजनीति में पैर वैर का तो खैर कोई रोल नहीं, पैर छुओ चाहे ना, ना, ना। सिर छुओ उसका क्या रोल। हाँ ना, देखिए अब ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव का दावर नेता, मैं मानता हूं भाजपा का प्रवक्ता, सम्मानित नेता, खून पसीने से सपा को सींचा जी, बहन मायावती को मैनपुरी में जाना पड़ा, तो कितने से जीते थे? 1 लाख से जीते थे उन्होंने। और जब 2022 का चुनाव हुआ तो इनके गढ़ मैनपुरी का विधानसभा कौन जीता? भाजपा। भोगांव सीट कौन जीता? भाजपा। और एक बात जान लीजिए अमिताभ जी, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, 2014 के बाद इस उत्तर प्रदेश में अगर कोई साबित कर दे मेरी बात का खंडन तो जो कहिए बाजी हार जाऊं, 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में न कोई किला बचा, न गढ़ बची, न विरासत। अशोक देव साहब बता दीजिए, ओपी सिंह जी कह रहे हैं 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में जितने किला, गढ़, गढ़िया थे सब ध्वस्त हो गए, कोई किला नहीं किसी का। देव साहब और एक चीज देखिए जी, दो आप ये देखिए अमिताभ जी, अब तक सब चमत्कार हुआ, नोएडा में मुख्यमंत्री गए जो गया वो सरकार चली गई, मंत्री नहीं बना जी। अमेठी में क्या हुआ,
वायनाड भागना पड़ा। कन्नौज में बहू डिंपल यादव वही थी, कन्नौज भी इनका गढ़ था, लड़ी क्या हुआ, हार गई। बदायूं क्या हुआ, हार गई। रामपुर क्या हुआ, ठीक एक मिनट, आजमगढ़ क्या हुआ, ओपी सिंह एक मिनट रुकिए, मैं अशोक देव से उसका उत्तर ले लूं, फिर मैं चलूंगा ओपी यादव के पास। लेकिन एक बात कहूं, अंतर सिर्फ इतना है जो मैं समझ पा रहा हूं, ये सब बातें ठीक हैं टेक्निकली के या जहां जो हारा वो है दर्ज है, सपा इस बात पर शायद भरोसा कर रही है जो मैं समझ पा रहा हूं राजनीति के विद्यार्थी के नाते, कि अब ये मुलायम सिंह जी के न रहने के बाद का चुनाव है, बाकी हारे सो हारे, लेकिन न मुलायम सिंह जी के न रहने पर सपा ऐसा सोच रही होगी स्वाभाविक तौर पर कि एक बार तो इसलिए अखिलेश यादव ने पहले दिन से एक ही लाइन ली है, नेताजी को वोट से श्रद्धांजलि दो, कोई मुद्दा नहीं, कोई घोषणा पत्र नहीं, कुछ नहीं, नेताजी को श्रद्धांजलि दो, लाइन ही वही, इसीलिए मैं बहस लेके आया हूं। अशोक देव, बीजेपी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से ना कोई किला है, ना कोई अटिया है, ना कोई दुर्ग है, कुछ नहीं, खत्म हो गया सब। अशोक देव आपको आवाज आ रही है, लग रहा है उनका दिखवाइए भैया। ओपी यादव, मुझे आपसे एक सवाल ही समझना है, आप चुनाव का विश्लेषण करते हैं, उसके पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, करीब 2.25 लाख वोट वहाँ मैनपुरी लोकसभा में बसपा का परंपरागत वोटर रहा है, ठीक पुराने रिजल्ट बताते हैं, मेरी बात गंभीरता सुनिएगा, मुझे नहीं लगता वो किसी लहर में शामिल है, ना उसे कोई भावनात्मक मसला है, ठीक। मुलायम सिंह जी का जो जन भावनात्मक ज्वार है उनकी स्मृतियों का, उससे उसका कोई राय रत्ती लेना देना नहीं, और जो लोग कह रहे लेना देना ना, वो गलत बोल रहे हैं, वो फिर लफाजी कर रहे हैं, ठीक। वो 2 लाख वोट क्या करेगा आपका हिसाब से इस चुनाव में, वो भी कुछ तो भाग लेगा, चुप तो रहेगा नहीं। ओपी यादव जी, देखिए सर, मुलायम सिंह जी के निधन के बाद निश्चित तौर पर एक साइलेंट वोटर है, दलित वोटर, लेकिन जो ये पट्टी है पूरी, ये जो भूभाग है, इस पे समाजवादियों ने, देखिए बहुजन समाज पार्टी के उद्भव से लेकर के और अभी तक, खासकर मैनपुरी पार्लियामेंट के जो नतीजे आप अगर एनालिसिस करेंगे तो बीएसपी कभी नतीजे नहीं दे पाई असेंबली के चुनाव में, पार्लियामेंट की तो बात 77 से ही देखा जाए, लेकिन जो एक साइलेंट किलर के रूप में दलित वोट जरूर रहा है, लेकिन सैफई परिवार ने, जब से सैफई परिवार का राजनीतिक उद्भव हुआ है, तो एक तरह से देखिए मुलायम सिंह यादव जी को एक दलित के यहाँ भोजन करने की वजह से उनको बिरादरी से भी को भाजन का शिकार होना पड़ा था, तो ये जो किस्से कहानियाँ हैं, जो दंत कथाएँ हैं, निश्चित तौर पर दलितों में जो नई जनरेशन आई है वो तो अपवाद है, लेकिन पुराने लोग इससे वाबस्ता हैं और इसके नतीजे भी ग्राउंड पे देखने को मिलेंगे। और दूसरा, सैफई परिवार ने वहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, दलित समाज में पिछड़ों को जोड़ करके काम किया है, और जो सामाजिक ताना बाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ाई और जो सिंपैथी फैक्टर है उसमें भी कहीं ना कहीं आत्मसात करता नजर आ रहा है। मैं मानता हूं कि एक साइलेंट किलर जरूर है दलित वोटर, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइज हो सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह जी, ठीक। तो इसमें 2-3 चीजें हैं जिन पर आपको आगे अपनी स्टडी में गौर करना होगा, अभी आपने जो बातें कही वो उनमें और गंभीरता चाहिए। पिछले 5 चुनाव मैनपुरी के उठा के देख लीजिए, लोकसभा के, उनमें 2 चुनाव ऐसे हैं जिसमें बीजेपी में बीएसपी नंबर 2 रही है, कैसे कह देंगे बीएसपी का कोई लेना देना नहीं। मुलायम सिंह जब चुनाव खुद लड़े, शिवपाल, राम गोपाल, अखिलेश यादव नहीं, मुलायम सिंह खुद अलायंस था, फिर भी मायावती की सभा वहां लगाई गई मैनपुरी, नहीं जरूरत होती तो नहीं लगती, मायावती से कहा जाता आप कहीं और जाओ, मैनपुरी तो हम खुद ही जीत लेंगे, नहीं ना, तब 94,000 वोट से ये सीट निकली थी, पता है ना, इसलिए 2 लाख वोट को आप ऐसे कैसे कह सकते हो। दूसरी बात, एटा इटावा फरुखाबाद मैनपुरी, फिर सुनिए, एटा इटावा फरुखाबाद मैनपुरी, यही समाजवादी पार्टी का आंगन है, ठीक। यहां दलित और यादवों में कोई एका नहीं, ठीक, मान लीजिए ये बात,
गेस्ट हाउस कांड के बाद से एका तो छोड़ो, बसपा की सरकार रही तो यादवों पे मुकदमे लगे थोक में, और सपा की आई तो दलितों पे लगे। ठीक यादव जी, इसलिए वहां 36 का आंकड़ा है भैया, ये 36 का आंकड़ा ही तो था जो 19 में अलायंस रिजल्ट नहीं दे पाया जी। इसलिए इस चीज को भी अपने को दिमाग में रखना। खैर, अशोक देव साहब तक अगर मेरी आवाज जा रही है, अशोक देव, बीजेपी कह रही है कि 2014 के बाद से यूपी में कोई गढ़ बचा ही नहीं, कोई किला बचा ही नहीं किसी पार्टी का। अमिताभ जी, मैं सुन रहा था, बहुत गौर से सुन रहा था, ओपी सिंह जी बोल रहे थे, परिवारवाद की भी बात कर रहे थे जी। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लोग अपने परिवार की तरफ नहीं झांकते हैं और दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। देखिए, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, पीछे वाली बहस तो मैं कर नहीं रहा हूं, आज मैं मैनपुरी की बहस में शामिल हूं। जहां तक मैनपुरी की बात है तो नेताजी वो शख्सियत हैं कि आपको याद होगा कि फौज में जब कोई सिपाही शहीद होता था तो उसके घर जो है पहले कपड़े जाते थे जी, उनका पार्थिव शरीर नहीं जाता था जी, लेकिन नेताजी ने वो काम किया। दूसरी चीज, जितनी महिलाएं आज समाज में सम्मान पा रही हैं, नेताजी को ऐसे पा रही है क्योंकि उन्होंने स्टैंप रजिस्ट्री में जो छूट दिया था, पहली बार नेताजी ने दिया था, हर महिलाओं को नाम से लोग सभी लोग रजिस्ट्री कराते हैं क्योंकि स्टैंप में छूट मिलती है। तो महिलाएं निकल के आ रही हैं मैनपुरी से, और जितने वर्ग के लोग हैं, चाहे जिस फील्ड में रहते हो, वो नेताजी को याद कर रहे हैं कि नेताजी ने आखिर अपने पूरे जीवन काल में हमारे लिए क्या किया। मैं बार बार कह रहा हूं कि नेताजी धर्म जाति के ऊपर काम किए। ओपी सिंह जी को यह बात समझना चाहिए कि नेताजी के नाम पर चुनाव हो रहा है तो कम से कम नेताजी को जो लोग याद कर रहे हैं उनको नकारे नहीं, और जो हम कह रहे हैं भावात्मक बातें नहीं है, भावनात्मक बातें तो वहां की जनता खुद कर रही है। वो खुद चाहती है कि नेताजी जिस तरह से मैनपुरी को आगे बढ़ाए, एक विश्व पटल के मैप पर ला करके खड़ा कर दिया, जो करना चाहिए क्षेत्र की जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए नेताजी ने किया, उसको ले करके वहां की जनता, वहां के वोटर नेताजी को खुद जो है वोट करने जा रहा है। तो इसमें हमारा केवल यही है कि हम कह रहे हैं, जनता की बात को आपके सामने ले आके कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं।